गोविंद नगर खारचा में पिटाई की घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण हालात बनने लगे हैं। वर्ग विशेष समुदाय के लोगों के प्रदर्शन के बाद मंगलवार को हिंदूवासियों ने भी प्रदर्शन किया। बाद में डीआईजी मनीष कपूरिया को ज्ञापन दिया। जानकारी के मुताबिक हिंदू जागरण मंच ने सोमवार रात ही खबर कर दी थी कि वो मंगलवार को डीआईजी कार्यालय पहुंचकर घटना के विरोध में ज्ञापन देंगे। उन्होंने सुबह 3 स्थानों का चयन किया और कार्यकर्ताओं को बुलाया। एक टुकड़ी नेहरू पार्क पर जमा हो गई, जबकि कुछ लोग बाल विनय मंदिर स्कूल और तीसरी जत्था यशवंत प्लाजा के पास जमा हुआ। भीड़ को देखते हुए पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र से भारी बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि रविवार को मॉब लिंचिंग की घटना के बाद वर्ग विशेष के लोगों ने कोतवाली थाना का घेराव किया था। सैकड़ों लोगों ने कई स्थानों पर नारेबाजी भी की थी। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र स्थित बम्बई बाजार में वाल्मीकि समाज की किशोरियों के साथ अश्लील हरकत और सज्जन पर जानलेवा हमला हुआ था। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित नायता मुंडला में स्वतंत्रता दिवस पर वर्ग विशेष के युवकों द्वारा पथराव व तोड़फोड़ की घटना की गई थी। साथ ही युवकों द्वारा नारे लगा रही युवती से अभद्रता की थी। हिंदूवासियों की मांग है कि पर्दे के पीछे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।